ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, आज हम बात करते हैं आज के युवा पर। आज का युवा क्या है, कैसा और क्यों है, इस विषय पर एक किसी ने कुछ भेजा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। पर उन्होंने जो चित्रण दिया है बड़ा सुंदर दिया है और आशा है कि आपको भी अच्छा लगेगा। आप इसको सुनेंगे, आपको और कई विचार करने पर आपको विवश करेगा कि वाकई हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, युवा की हालत क्या है। आइए जानते हैं क्या कारण है कि आज का युवा संस्कारहीन होता जा रहा है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बच्चों में कुछ बातें घुटने ही छुए जाते हैं, पैर तो आजकल कोई छूता ही नहीं, चरण स्पर्श तो कोई करता ही नहीं है। क्या कारण है कि आज के युवा में सिर पे चोटी, सिर की चोटी को काट के फेंक दिया है। क्या कारण है कि आज का युवा गले में जनेऊ पहनने को अपमान समझता है और हाँ, वो क्रॉस आदि लटकाने में उसको आनंद महसूस होता है। क्या कारण है कि आज का युवा माता पिता से अलग रहना पसंद करता है। क्या कारण है कि आज का युवा गाय के दूध से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक को महत्व देता है। क्या कारण है कि आज का युवा शराब पीने में अपनी शान समझता है। क्या कारण है कि आज का युवा लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करता है। क्या कारण है कि आज का युवा धर्म की कोई जानकारी नहीं रखता। यदि उसको पूछो कि विशेषकर हिंदू युवकों को कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है, शायद उनको पता ही नहीं होगा। क्या कारण है कि आज का युवा समलैंगिकता के कानून से बड़ा खुश है। क्या कारण है कि आज का युवा श्री राम, श्री कृष्ण, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर सलमान शाहरुख को पसंद करता है। क्या कारण है कि आज के युवा के कमरे में महापुरुष क्रांतिकारियों की फ़ोटो नहीं मिलके नंगी धड़ंगी लड़कियों की फ़ोटो मिलते हैं। क्या कारण है कि आज का युवा को संस्कृत के 5 श्लोक भी नहीं आते। क्या कारण है कि आज के युवा में को दाल बाटी चूरमा दही छाछ से ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ा पसंद आता है। क्या कारण है कि आज का युवा सत्संग सुनने से ज़्यादा फिल्में देखना पसंद करता है। क्या कारण है कि आज का युवा भजन से ज़्यादा पॉप गीत को पसंद करता है। क्या कारण है कि आज का युवा नौकरी में रिश्वत लेना और देना पसंद करता है। क्या कारण है कि आज का युवा मेहनत से के काम से नफरत करता है। क्या कारण है कि आज के युवा देश के साहित्य से ज़्यादा विदेशी साहित्य को प्रधानता देता है। और इसको हम सादा ताज़ा उदाहरण आपको दे दें, कोई व्यक्ति योग नहीं बोलता, अनपढ़ हो, गांव का हो, कोई भी हो, योगा ही बोलेगा। हम योगा क्लास जाते हैं, आपने भी सुना होगा। क्या कारण है कि आज का युवा शिक्षा मंदिर में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल रहा है। क्या कारण है कि आज का युवा माता पिता को नमस्ते करना तक पसंद नहीं करता। क्या कारण है कि आज का युवा चरित्रहीनता को मौज मस्ती समझता है। क्या कारण है कि आज का युवा पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना पसंद करता है। क्या कारण है कि आज का युवा के हीरो कोई महापुरुष नहीं है। क्या कारण है कि आज का युवा कृषि पशुपालन से घृणा करता है। क्या कारण है कि आज का युवा भारत में रहने से ज़्यादा विदेश में रहना पसंद करता है। क्या कारण है कि आज का युवा भाई बहन की बात करने से ज़्यादा चैट करना पसंद करता है। क्या कारण है कि आज का युवा हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी में बोलने में शान समझता है। क्या कारण है कि आज हमारे देश के जो शिक्षा केंद्र है वो राजनीति के अखाड़े बन चुके हैं। क्या कारण है कि आज का युवा गुरुओं का सम्मान नहीं करता है। मित्रों, इसका सबसे बड़ा कारण है वर्तमान शिक्षा पद्धति। क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो मात्र पेट भरने वाला काम सिखाती है कि आप यदि ये कर लेंगे तो आपको ऐसी नौकरी मिल जाएगी और आप पूरी तरह से आर्थिक हो जाते हैं। माता पिता भी उसी अर्थ के चक्र में पड़ के अपने बच्चों को ना जाने क्या क्या सिखाने को भेज देते हैं और कहाँ कहाँ भेज देते हैं, तो बच्चे माँ बाप से ना जुड़कर ना जाने कहाँ कहाँ जुड़ जाते हैं। तो ये शिक्षा पद्धति का इतना बड़ा दोष हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बच्चे माता पिता की सहायता नहीं करना सीख पाते, ना जाने क्या क्या करना सीख जाते हैं। बच्चे पढ़ लिख कर एक जो लड़का है वो जेब में हाथ डाल के घूमना तो सीख जाता है, लेकिन पिता के साथ दुकान में गांव में गोबर उठाना नहीं सीख पाता है। और वहीं बेटी नाखून नेल पॉलिश लगाना तो सीख जाती है, लेकिन माँ के साथ रसोई में काम करना नहीं सीख पाती। ये आजकल की शिक्षा पद्धति। विचार करिएगा इस बात पर कि युवा कहाँ जा रहा है हमारा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो विवरण में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक और की और हमारे स्वास्थ्य रक्षा पेज की लिंक दी हुई है, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और कुछ प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, वीडियो अच्छा लगा तो टिप्पणी भी करिए और बुरा लगा तो उसकी बातें भी बताइए कि भाई आपको क्या अच्छा नहीं लगा, हम आपको वो भी उत्तर देंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।